गाजीपुर से महताब आलम के साथ अभिनंदन वर्मा पत्रकार की रिपोर्ट। अवैध कमाई से अर्जित सम्मति को किया जाएगा कुर्क, होगी गैंगस्टर की कार्रवाई। एसपी खबर गाजीपुर से है, जहां स्वाट टीम एवं नंदरगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम को रविवार की देर रात बड़ी कामयाबी मिली। टीम ने मुरवल गांव में एक मकान में छापेमारी की। इस दौरान नकली शराब बनाने में लिप्त चार लोगों को दबोच लिया, जबकि दो भागने में सफल रहे। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब के साथ ही उपकरण आदि बरामद कर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। सोमवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक डा ओम प्रकाश सिंह ने अभियुक्तों को मीडिया से मुखातिब कराया। बताया कि गिरफ्त में आए अभियुक्त स्थानीय के साथ ही नकली शराब की सप्लाई ज्यादातर बिहार में करते थे। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इस अवैध कमाई से जो भी संपत्ति अर्जित किया है उसे कुर्क किया जाएगा। एसपी ने बताया कि रविवार की रात नंदरगंज प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह हमराहियों के साथ तवल मोड़ गश्त पर थे। इसी दौरान स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक विनीत राय टीम के साथ वहां पहुंच गए। रात करीब 11 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि मुरवल एकला पूर्वा में स्थित एक मकान में लंबे समय से नकली शराब बनाने का कारोबार चल रहा है। इस सूचना पर टीम मौके लिए रवाना हो गई। उक्त मकान में छापेमारी की। अंदर शराब बनाने में लिप्त लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दो अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 10 प्लास्टिक के गैलन में करीब 400 लीटर स्प्रिट, 200 ml देशी शराब की खाली बोतल, 850 शीशी का ढक्कन, अवैध अपमिश्रित देशी शराब 31 पेटी मखुला 30 शीशी, कुल 1425 शीशी प्रत्येक 200 ml, QR कोड 3 बंडल, रैपर 70 पन्ना प्रत्येक पन्ने पर 56 स्टीकर, बोतल शील करने की 4 मशीन, 1 डिग्री मापने का यंत्र, खाली गत्ता 30, जिस पर फुसेल इन अप अंकित, पानी की 2 खाली बोतल, 1 ड्रम प्लास्टिक का, लेमन फ्लेवर 1 कांच के बोतल में करीब 200 ml, 2 किलो यूरिया और 1 किलो नौसादर बरामद हुआ। बाइक पुलिस अधीक्षक डा ओम प्रकाश सिंह। एकल पूर्वा मुड़वल गांव में एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पता लगाया, भंडाफोड़ किया, जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे 400 लीटर स्प्रिट, नौसादर, यूरिया और 36 पेटी 31 पेटी अपमिश्रित शराब, पूर्ण रूप से जो नकली शराब होती है वो बरामद की है। ये फैक्ट्री चला रहे थे ये लोग पिछले 6-7 महीनों से, पूछताछ में इन्होंने बताया 7-8 महीनों से ये चला रहे थे और जैसे ही इसको संज्ञान में हुआ, इसकी पतारसी सुरागरसी करके हमारी स्वाट टीम और नंदगंज पुलिस ने इनको पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक की जो प्रारंभिक पूछताछ है उससे पता चला है कि स्थानीय लोगों में तथा बिहार के लोगों में ज्यादातर ये नकली शराब ये बिहार सप्लाई करने का कार्य करते थे। इनके पास से नकली शीशी, बार कोड, ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करके और इनके जो एसोसिएट्स हैं, अगर कुछ हैं तो उनका भी पता लगाया जा रहा है। इन्होंने और पहले क्या क्या कार्य किए हैं उसका भी पता लगाया जा रहा है। कौन कौन अगर अन्य लोग भी इनके गैंग में सम्मिलित हैं या बिहार में जो लोग सप्लाई करते थे उसका भी पता लगाया जा रहा है। संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, आजीवन कारावास की सजा है उसमें और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इन्होंने इस अवैध कमाई से जो संपत्ति अर्जित की होगी उसको भी कुर्क किया जाएगा। ये एक अच्छा कार्य है जिससे निश्चित रूप से इस नकली शराब से